नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी और इन्फॉर्मेशन साइंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए जॉब से रिलेटेड एक वीडियो लेके आए हैं। उम्मीद है, आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा। अब क्योंकि बहुत से बच्चों के डिमांड आ रही थी कि पढ़ाई के साथ साथ जॉब जो के क्वेश्चन हैं उनके साथ साथ जॉब्स के भी वीडियो भेजी जाए, तो अब हफ्ते में 2-3 या 4 दिन तो आएंगी जॉब की वीडियो और MCQ की तो डेली ही आएंगी। तो चलिए देर ना करते हो, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज आपके लिए एक पोस्ट आई है, कॉन्टैक्ट बेस में है ये, JPF SPA नाम से आई है और ये NCERT से रिलेटेड है, ये प्रोजेक्ट वर्क है। इसमें देखिए मांगा क्या है, एक ऑनलाइन इंटरव्यू होगा आपका, जब ये फॉर्म भर देंगे वहाँ से आएगा ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। उसमें मेन है आपका जो पोस्ट होगी, प्रोजेक्ट का टाइटल है फाउंडेशन लिटरेसी, पढ़ाई से संबंधित कुछ है, उसमें आपको कार्य करना होगा। नाम पोस्ट का नाम है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में यह पद होते हैं, प्रोफेशनल असिस्टेंट्स और सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, जिन्होंने बिलीव किया होता है उनके लिए या मास्टर MLE वालों के लिए होते हैं। और इसमें पोस्ट का एक संख्या है और इसमें मास्टर डिग्री मांगी है 55% लाइब्रेरी साइंस में होने चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन तीनों में से। अब आप देख लीजिएगा, जो इस समय शायद नौकरी नहीं कर रहे होंगे या कुछ प्रोजेक्ट वर्क कर रहे होंगे तो वो डाल सकते हैं और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है। तो और इसमें डिज़ायरेबल नॉलेज में है नॉलेज ऑफ लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, लिप्सिस का नॉलेज होना चाहिए सॉफ्टवेयर का, और डिज़ायरेबल अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए आपके, डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का या PGDCE होना चाहिए, जो भी है चल जाएगा। और आगे हम देखते हैं, एक और पोस्ट है वो BEd से रिलेटेड है फिर ये, और इसमें जो सैलरी है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट्स की है ये है 30,000 per month मिलेंगे इसमें आपको, और उम्र है 40 साल तक अधिकतम, बिलो 40 साल से नीचे। और इसमें आपको अपना कैंडिडेट को अपना बायोडाटा भी भेजना है, परसेंटेज ऑफ मार्क, सेल्फ अटैच फोटोग्राफ, डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस भी भेजना है। फेलोशिप इज़ प्योरली ऑन टेम्प्रेरी बेसिस, ये प्योरली टेम्प्रेरी बेसिस है कुछ समय के लिए, अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा देंगे, नहीं तो नहीं भी बढ़ा सकते हैं। द कैंडिडेट वर्किंग विद अदर ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉरवर्ड द एप्लीकेशन थ्रू देयर एम्प्लॉयर, अगर कोई व्यक्ति अगर कहीं काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन या कॉलेज वगैरह में तो उनको पहले वहाँ से NOC लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और बाकी इसमें और TA DA वगैरह आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए कुछ नहीं दिया जाएगा। अगर आपको यह पोस्ट पसंद आई है तो भर लीजिए, इस समय खाली रहने से बढ़िया आप भर सकते हैं और अच्छा एक्सपीरियंस NCERT का भी मिल सकता है। और अगली जो पोस्ट है वह है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में आ रखी है आपकी, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में। इसमें है एक प्रोफेसर की पोस्ट है, एक एसोसिएट प्रोफेसर 2 हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी 2 पोस्टें हैं, यह भी आप देख लीजिएगा। फॉर्म भरनी है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से आ रखा है, आप ऑनलाइन निकाल लीजिएगा इनकी वेबसाइट से जाके, और भविष्य में हम आपको इस तरह से पोस्टें भेजते रहेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।